हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। ये अस्तर हमारा सूती है कॉटन का, और यहाँ पर हमारा मैन कपड़ा है। देखिए पीछे की तरफ हमारा गला बना हुआ है, और जो हमारी लेस है इसको हम बाजू में लगाएंगे। तो हमारा देखिए जो गला है उसकी चौड़ाई 7 इंच है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा देना है। सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से जहाँ पर हमारी बंद साइड है वहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो पीछे वाले गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच थी, तो आगे वाले गले की चौड़ाई भी हमें 7 इंच रखनी है। ठीक है, तो 7 के आधे हुए 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा बोट नेक में गला बनेगा, और गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो इस तरह से हम 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच आएगा, और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन भी लेना है। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 इंच, और 14 इंच को आधा करेंगे तो देखिए आएगा 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पीछे वाला गला बना हुआ है, और इसकी लंबाई देखिए 7.5 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो जो हमारा गला है तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। देखिए अच्छे से हमें बिल्कुल एक बराबर ही रखना है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था तो उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, और नीचे से और साइड से हमें सेम निशान लगाना है। और आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है, और गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है। यहाँ पर देखिए हमने आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखी है। अब हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे, और पीछे वाले पल्ले को हमें 1/2 इंच छोटा रखना है नीचे से, और साइड से भी हम पीछे वाले पल्ले को 1/2 इंच छोटा रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है,
और बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और बाजू की जो हमारी मोरी है वो 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहीं से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें एक कट लगा देना है 20 सेंटर पर। फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछा देना है, और जो अभी हमने बाजू कटिंग करी थी तो उसको उसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अस्तर को लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को लिया है, इसको अच्छे से बिछा देंगे। और जो अस्तर की ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी है। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, और इसी के बराबर हमें कटिंग करना है। यहाँ पर हम अस्तर को थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे बाद में ही कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाला आगे वाला पल्ला कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से अस्तर को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे, और जो हमारा पीछे वाला पल्ला है तो उसको इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना हमारा अस्तर बचा हुआ है, तो इसमें से हम देखिए किस तरह से 2 बाजू निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन बाजू ली है और इसमें सीधी तरफ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमें दोनों बाजू को रखना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो हमारी सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों बाजू में, और कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अस्तर से बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो पल्ले को देखिए हमें इस तरह से रखना है, नीचे की तरफ हम अस्तर वाला पल्ला रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें मेन पल्ला रखना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले को भी इस तरह से रख लेंगे। देखिए आमने सामने हमें इस तरह से पल्ले को रखना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, साइडों में सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पलेटे से लेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ पर प्लेट की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे, तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। और लंबाई भी हमें 4 इंच रखनी है, तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 4.5 इंच पर निशान लगाना है, और 2.5 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे, और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाना है,
और 2.5 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। फिर हम क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो हमने एक पल्ले में निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर और छाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूसरे पल्ले पर भी निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारे निशान अच्छे से दिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले में प्लेटें सिल लेते हैं। सबसे पहली वाली प्लेट हमारी 1 इंच चौड़ी सिली जाएगी और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें 1/2 इंच चौड़ी सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में देखिए प्लेटों को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी प्लेटें सिली हैं। देखिए जो हमारी बीच वाली प्लेट है वो एक बराबर आई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो आई वाली पट्टी हमें कपड़े से सिल लेनी है। पट्टी की चौड़ाई आपको 2.5 या 3 इंच चौड़ी ही रखनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। बची हुई पट्टी की हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो हुक वाली पट्टी हम क्या करेंगे, अस्तर से सिलेंगे। तो अस्तर वाली पट्टी को इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। दाब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। बची हुई पट्टी की सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तिरछे में और भी पट्टी कटिंग करी है 2 इंच चौड़ी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में हम इस तरह से पट्टी को सिल लेते हैं। बची हुई पट्टी की हम क्या करेंगे, सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो अभी सिलाई लगाई थी उसको ऊपर रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके हमें इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी पाइपिंग को बना लेना है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि गले में पाइपिंग कैसे लगाते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप मेरी अलग से वीडियो भी देख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग को बना लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी पाइपिंग को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में क्या करेंगे, निकाल देंगे जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तब। तो यहाँ पर हमारा आगे वाला पल्ला तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने अस्तर वाला पल्ला लिया है और जो हमारा मैन पल्ला है तो इसकी सीधी साइड हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। दोनों को अच्छे से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें गुलाई में सिलाई को लगाना है। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे इस तरह से। और कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं।
कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो हमने कट को लगा दिया है। अब हम पल्ले को इस तरह से इस साइड में कर देंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, गले के ऊपर इस तरह से दाब सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा बचा हुआ अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे। तो हमने बचे हुए अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर। और यहाँ पर हम प्लेट की चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे और लंबाई में 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है, इससे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा सकें। तो दूसरी तरफ भी हम प्लेट की लंबाई 4 इंच रखेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट को सिल लेते हैं। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों प्लेट को सिल लिया है। इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो 17 इंच पर हमें निशान लगाना है। नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम दोनों पल्ले को एक बराबर करेंगे इस तरह से। और जो अभी हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो बाजू को पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाया था तो उसको हमने ऊपर की तरफ रखा है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू पर भी जो निशान लगा हुआ है उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से हमें 1/2 इंच फोल्ड करके ही हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर हमारी एक बाजू सिल चुकी है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी सिला है। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए जो हमारे कट हैं वो आमने सामने आते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी निशान लगा के बाजू को सिल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेस लगाएंगे।
तो इस तरह से हम इतनी लेस बाजू में लगाएंगे और जो बची हुई लेस है उसको हम ब्लाउज के पीछे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से कटिंग करके हमें बाजू में लेस को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने लेस को सिल लिया है। अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज लिया है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर जो बाजू में कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मोरी 10 इंच है तो 10 को आधा करेंगे। तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जो हमारी लेस बची हुई है तो उसको सिल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर रखे, तो देखिए इस तरह से हमने पीछे की तरफ लेस को भी सिल लिया है और इसमें हमने डोरी और लटकन भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ब्लाउज सिल चुका है। इस तरह से हमने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।